आस्था हुआ, हमारा भाई रविंदर भाई का जो आस्था हुआ, पेट्रोल डाल के जो जिलाधिकारी सो है उनके आवाज़ से हम प्रोटेक्ट करने को आए, जो रविंदर भाई का जो उन्होंने डिप्रेशन होके होमगार्ड को रिक्वेस्ट नहीं होता, सैलरी नहीं आ रही बोल के वो डिप्रेशन होके उन लोग जो होमगार्ड ऑफिस कमांडेंट ऑफिस हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद कोशामेल को हुए, जब जो उधर नीचे ऑफिसर आते कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल गंदे बातों से बात करे बोल के डिप्रेशन होके पेट्रोल से जिला दिवस हुए, वो क्यों किसके वास्ते हुआ बोले तो अपना सीएम साहब वजीर आजम सीएम साहब कई मरतबा असम्बली में प्रगति भवन में पब्लिक मीटिंग में होमगार्ड सबको रेगुलराइज कर तुम बोल के बोले, तेलंगाना के पूरे जो होमगार्ड ऑफिसर्स है रेगुलर आज होता कल होता बोले, कई आसन से है हमारे को कुछ हेल्थ कार्ड नहीं है कुछ भी नहीं है हमारे को कुछ हो तो करेगा ना एक बोले तो पूरे सीएम साहब को मालूम है, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ऑफ सी गैनन साहब को मालूम है, डीजीपी साहब अंजन कुमार साहब को मालूम है, आपके प्रेस के मुताबिक मैं हमारे सीपी साहब को डीजीपी साहब को मैं निवेदन करता हूँ कि हमारा होमगार्ड जो रेगुलर्स का वो एसपीए फाइल जो है वो एसपीए फाइल का वो रेगुलर्स करने का ऐलान देने का कहने का, और एक हमारे रविंद्र भाई की जो फैमिली का है वो फैमिली को पूरी तरह भरोसा देने का है, हमारे रविंद्र भाई जो भी हमारे रविंद्र भाई जो करे सो है दूसरे होमगार्ड ऑफिसर ऐसा मत करो भाई, अपने को अच्छा अच्छा दिन आएंगे, सीएम साहब बहुत अच्छे आदमी है और इंशाल्लाह परमानेंट एसपीए का जो है परमानेंट करेंगे बोल के हम सोच रहे भाई, शुक्रिया भाई। हमारा एक सुनाना यही है गवर्नमेंट से, हम लोगों के सो इतने साल से 25 साल से कर रहा हूँ, कितने लोग ये सो रिटायर हो गए मतलब तो उतर के भी चले गए, कुछ भी बेनिफिट नहीं है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर रहे हो नाम ही लेकिन कोई किसी किस्म का बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि फैमिलियों को सफर करके जो सो बच्चों को आज के महंगाई के हिसाब से बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल के फीस नहीं बन सके, हैदराबाद सिटी में मकान में तो कम से कम 5-7 हज़ार से कम तो नहीं है, ये कम तनख्वाह में जो सो कैसा गुजार के कैसे जिंदगी गुजार रही है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए क्योंकि कब तक ये जिंदगी है, क्योंकि नौजवान होकर ये सो आज जोड़ों में फिर रहे, हालांकि होमगार्ड से रिक्रूटमेंट बंद कर दी, क्यों हम जो हक मांगने से जो सो गला दबा के हक मांगे, हम गवर्नमेंट करो कुछ बेनिफिट करो बोलते, हक मांगने से रिक्रूटमेंट ही बंद कर देंगे, बूढ़े लोगों को ला के नौकरी मिले रहे, रिटायर हुए लोगों को ला के नौकरी मिले रहे एसपीओ बोल के, तो मैं 96 से कर रहा हूँ, मैं 1996 से कर रहा हूँ, मैं 900 रुपये से करते आ रहा हूँ, यही नौकरी में ये सो बच्चे इंटर डिग्री पढ़ रहे हैं उनको फीस नहीं बन सक रहे अपन, तो ऐसे कितने हजारों लोग है हैदराबाद में जो सो पूरे 22,000 लोग है, 20,000 के ऊपर है लोग, सबकी जिंदगी यही है, अभी तो नए नए कोई नहीं है, 10 साल पुराने 10 साल से रिक्रूटमेंट ही नहीं है, ऐसे वालों की जिंदगी सही नहीं है, ठीक है रिक्रूटमेंट बंद कर दिया कोई बात नहीं, ऐसे वालों को तो कम से कम सही बेनिफिट दो, हम हक ही मांग रहे कि हम मेहनत कर रहे हैं कॉन्स्टेबल के बराबर, कम नीचे वाले ही काम करने, हर पीएस में हर ऑफिस में नीचे वाले होमगार्ड ही काम करने का, होमगार्ड काम करे बगैर काम नहीं होता वहाँ पे, तो इसीलिए क्या है हम हक मांग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कॉन्स्टेबल के बराबर, हम जो तनख्वाह दे बोल रहे हैं हम गलत नहीं मांग रहे, हमारी विनती ये है कि हमको ये सो रेगुलर करके हमको बेनिफिट करके हमारे को ऐसा हम भी ऐसा सबके बराबर ऐसा लीव वगैरह हॉस्पिटल, आज जैसे हॉस्पिटल लगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कहीं नहीं है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की नौबत दी हमको, क्यों हम जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए क्या है हमको ये आरोग्य पता था, ये नौकरी का उद्योग पता था, जो भी ये सब देना बोल के हमारी यही विनती है, सब जो सीएम साहब से यही विनती है हमारी, हम कोई अलग नहीं मांग रहे, हमारा हक मांग रहे, क्योंकि कम नजरों से जिंदगी कम नजर देख रहे, कम तनख्वाह वाले 27,000 रुपये हो तो लाखों की तनख्वाह वाले, एक एक जैसे 20,000 सैलरी 20,000 का सर्विस ले तो 1,00,000 के ऊपर तनख्वाह वाले, हम जैसे सिर्फ 27,000 है, क्योंकि ये तनख्वाह के हिसाब से कम तनख्वाह वाले, रोज आए तो प्रेजेंट नहीं तो एब्सेंट, रोजमर्रा जिंदगी है, हमको कोई हक नहीं है लीव नहीं है, इसी तरह जैसे क्या है बेनिफिट दिए तो हमारे को सब हम जैसे हम भी आम जैसा देंगे, हमारी यही विनती है सब जल्दी से जल्द हमारे को सीएम साहब इसका परमिट करना बोल के हमारी रिक्वेस्ट है सर। నా పేరు సఖినారాయణ, తెలంగాణ రాష్ట్ర జేఏసీ చైర్మన్ సఖినారాయణ అని చెప్పేసి నేను మరి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం ఏదైతే ఉందో మరి రాష్ట్ర ప్రజలు గమనించాలి, ముఖ్యంగా ఏంటంటే మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు హోంగార్డ్లను పర్మనెంట్ చేస్తా అని చెప్పి మరి మోసం చేసినటువంటి ముఖ్యమైన వ్యక్తి ఎవరు అంటే మరి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు, అదేవిధంగా కేటీఆర్ గారు అదే విధంగా కవిత అదే విధంగా హరీష్ రావు గారు కూడా మరి హోంగార్డ్లకు తీరని అన్యాయం చేయడం జరుగుతుంది, కాబట్టి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ రోజు నుంచి మేము విధులు బహిష్కరిస్తున్నామని చెప్పేసి అదే విధంగా కంపల్సరీ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క హోంగార్డు కూడా మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా జేఏసీ పిలుపును
गौरव एवरू विधु राकूदी को अदे विधा पदहारो तारीख ना शांति दीक्ष उ आ दीक्ष भारी एन मरी इंदिरा पार्क रावे को मुख्य मन मित्रुड़ रवींदर को कोरुकुंटुन्ना।